नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइव, मैं हूं आपके साथ दुर्गेश। खबरों की शुरुआत करते हैं। दिल्ली का दंगल लगातार जारी है। सुबह 8 बजे से वोटिंग जारी है। सभी 70 सीटों पर मतदान लगातार जारी है। बूथों पर मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। सीएम केजरीवाल ने परिवार संग वोट डाला है। बीजेपी के दिग्गज भी लगातार अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। सुबह 8 बजे से ये वोटिंग लगातार जारी है और 2 घंटे का समय निकल चुका है वोटिंग के लिए। 10 बज रहे हैं और 2 घंटे से ऊपर का समय हो चुका है वोटिंग शुरू हुए। और ये भी आपको बता दें कि 6 बजे तक लगातार मतदान किया जाएगा। कुल 672 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनकी किस्मत का फैसला आज ईवीएम में कैद होता जा रहा है। 1,48,00,000 से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। 11 फरवरी को चुनाव के नतीजे आएंगे और उसके लिए आज मतदान हो रहा है। मतदाताओं की लंबी कतारें लगी हुई हैं बूथ पर। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर लगातार मतदान जारी है। बीजेपी के दिग्गज भी अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक लगातार मतदान जारी है। कुल 672 प्रत्याशी अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। 1,48,00,000 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। 11 फरवरी को चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे। दिल्ली की जनता किसको दिल्ली की कुर्सी पर बैठाती है, ये आज ईवीएम में कैद हो जाएगा। किसे चुनती है, ये आज ईवीएम में सुरक्षित हो जाएगा और 11 फरवरी को इसके नतीजे आएंगे। कुल मिलाकर 672 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा। सुबह 8 बजे से वोटिंग जारी है और 2 घंटे से ऊपर का समय हो चुका है वोटिंग लगातार जारी है। दिल्ली के 1,48,00,000 मतदाता अपना वोट डालेंगे। चुनाव और दिल्ली से हमारे सहयोगी शंकर सुमन हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के लिए। शंकर, 2 घंटे से अधिक का समय हो चुका है, वोटिंग लगातार जारी है, क्या कुछ स्थिति फिलहाल की देखने को मिल रही है? देखिए, बिल्कुल गहमागहमी है चुनाव को लेकर। मतदाताओं के अंदर काफी ज्यादा उत्साह देखा जा रहा है। सुबह से ही हमने देखा है कि सुबह से ही लोग कतार में खड़े हैं। और पहले भी हमने अपने दर्शकों को बताया है कि सर्दी का मौसम होने के बावजूद लोगों के उत्साह में कहीं कोई कमी नहीं है। सुबह 7 बजे से ही लोग चाहेंगे। मनीष सिसोदिया, आपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचे हैं। मनीष सिसोदिया वोट डालने पहुंचे हैं, तस्वीरें आपको लाइव दिखा रहे हैं। अपनी पत्नी के साथ वोट डालने के लिए पहुंचे हैं मनीष सिसोदिया, दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया अपना वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, मनीष सिसोदिया अपना वोट डालने के लिए पहुंचे हैं पोलिंग बूथ पर। दिल्ली में सभी 70 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी है और चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस, सभी पार्टी के नेता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने भी परिवार संग वोट डाला है और अब मनीष सिसोदिया भी वोट डालने के लिए पहुंचे हुए हैं, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो शंकर, क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं? 2 घंटे से ऊपर का समय हो चुका है और मनीष सिसोदिया भी अब वोट डालने के लिए पहुंचे हैं अपनी पत्नी के साथ। बिल्कुल, जितने भी बड़े चेहरे हैं दिल्ली में जो मौजूद हैं, वो करीब करीब चाहे आम आदमी पार्टी की बात करें, बीजेपी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, अभी थोड़ी देर में कांग्रेस के जो बड़े नेता राहुल गांधी है वो भी वोट कास्ट करने के लिए जाएंगे। हमारे पास जो जानकारी 10:30 बजे के आसपास वो पहुंचेंगे। उसी तरह आम आदमी पार्टी के जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया वो पहुंचे हैं अपनी पत्नी साथ। केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, वो भी अपने परिवार के साथ वोट कास्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो कहने का मतलब जो भी बड़े चेहरे हैं एक एक करके सारे लोग जो है अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। अब मकसद साफ है कि सभी जहां अपनी पार्टी की तरफ से चाह रहे हैं कि ज्यादा ज्यादा उनकी सीट आए, वही हर पार्टी की तरफ से ये मतदाताओं से अपील किया जा रहा है कि मतदाता जो है वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में घर से बाहर निकलें और अपने मत का प्रयोग करें, जिससे पिछला जो रिकॉर्ड है 67.1% का जो रिकॉर्ड है उसको किया जाए। और यही चुनाव आयोग की भी मंशा है। चुनाव आयोग भी यही चाह रहा है कि लोग ज्यादा संख्या में आए, जिससे कि पिछला रिकॉर्ड टूटे और ये 70 या 70 से ज्यादा 75% मतदान हो। तो इसको देखते हुए अगर शुरुआत के 2 घंटे की बात करें तो काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है दिल्ली के जो मतदाता हैं, दिल्ली के
दिल्ली की जो जनता है वो उनके अंदर काफी उत्साह देखने को मिला है और बड़े नेता भी जो है वो भारी भारी अपने शंकर अभी तक दो घंटे की अगर बात की जाए तो कितने प्रतिशत मतदान हो चुका है इसको लेकर क्या कुछ जानकारी आ रही है? और ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि सुबह जो वोटरों की संख्या थी उसको लेकर अभी फिलहाल क्या कुछ वैसी ही स्थिति है अभी भी या कुछ कम हुई है या कुछ बढ़ी है इसको लेकर क्या कुछ जानकारी आ रही है? इन दो बातों को समझना चाहेंगे। अभी देखिए अभी अगर मतदान प्रतिशत की बात करें तो सुबह 9 बजे तक करीब 1% वोट हो पाया है तो प्रतिशत के हिसाब से देखें तो बहुत उत्साहजनक वो था। आज आपका कोई संदेश वोटर्स के लिए? विकास के लिए देश के सभी देशभक्त नागरिकों ने वोटिंग करना चाहिए यही संदेश है। जी शंकर जानना चाहेंगे क्या कुछ स्थिति है फिलहाल की? फिलहाल देखिए लोग बस की कतार में है अभी भी जिन जिन जगहों पे मेरा जाना हुआ वहां पे काफी संख्या में मतदाता अपने मत का प्रयोग करने के लिए घरों से बाहर निकलकर आए हैं और पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो इस बार मतदाताओं की संख्या बढ़ी है। अगर ऑन रिकॉर्ड अगर बात करें रजिस्टर्ड मतदाताओं की बात करें तो करीब 1,47,00,000 के आसपास है इस बार मतदाता जो कि अपने मत का प्रयोग करेंगे। वही अभी तक अगर मतदान प्रतिशत की बात करें तो जो हमारे पास जानकारी है कि सुबह 9 बजे तक करीब 1% वोटिंग हो पाई है 1% मतदान हुआ है। लेकिन ये जरूर है कि दिल्ली का जो ट्रेंड है उसको देखते हुए अभी तक उत्साहजनक परिणाम है क्योंकि दिल्ली में जो पॉश इलाके हैं जो लुटियंस जोन है नई दिल्ली का जो इलाका है वहाँ के लोग बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया करते थे मतदान में। अगर मतदान के दिन के आसपास अगर कोई एक दिन आगे पीछे छुट्टी हो तो लोग छुट्टी मनाना ज्यादा पसंद करते थे बजाय कि मतदान में भाग लेने के लिए। तो इसको रोकने के लिए और लोगों को बढ़ावा देने के लिए ही चुनाव आयोग ने भी कई सारे प्रयास किए हैं जिसमें कि पिछले लोकसभा चुनाव में भी 2019 में जो ज्यादा वक्त पहले नहीं हुआ है उसमें भी हमने देखा कि सेल्फी पॉइंट अलग अलग बूथों पे बनाया गया था। इस बार भी उसी तरह की कवायद की गई है चुनाव आयोग की तरफ से कि हर एक बूथ पे जो है सेल्फी पॉइंट बनाया गया है जिससे कि आकर्षित होकर खासकर युवा वर्ग है क्योंकि युवा वर्ग को सेल्फी लेने का बहुत ज्यादा शौक रहता है तो इसको ध्यान में रखते हुए वहाँ सेल्फी पॉइंट बनाया गया है। तो कुल मिला के देखें तो अलग जो सीनियर सिटीजन में भी 80 साल या उससे ज्यादा उम्र के जो मतदाता है या दिव्यांग जो मतदाता है उनको बूथ तक लाने के लिए चुनाव की तरफ से निर्देश दिया गया व्यवस्था की गई है कि उन्हें घर से लाना और वोट डालने के बाद उन्हें घर तक छोड़ना ये व्यवस्था भी की गई साथ ही लिए पोस्टल बैलेट की भी व्यवस्था की गई है। तो कुल मिला के देखें तो चुनाव आयोग ने भी काफी ज्यादा प्रयास किया है एक मिनट धक्का ना लगे ना मैंने हमने अभी वोट दिया है और मैं अपना वोट लोकतंत्र के तहत बाबा साहब द्वारा बनाए गए संविधान के तहत मैं अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल करके आया हूं और दिल्ली के लाखों बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए अपने वोट का इस्तेमाल करके आया हूं। सर आपको क्या लगता है जनता इस बार अच्छी शिक्षा के लिए वोट दे रही है 24 घंटे बिजली के लिए वोट दे रही है काम के लिए वोट दे रही है शिक्षित राष्ट्र के लिए वोट दे रही है। जिन लोगों ने शाहीन बाग का मुद्दा उठाया 24 घंटे मीडिया ने चलाया लेकिन इस मुद्दे को उठाने वाले मीडियाकर्मी भी
और इस मुद्दे पर पॉलिटिक्स करने वाले बीजेपी वाले भी जब वोट डालने गए तो उन्हें अपने बच्चों के लिए अच्छे स्कूल दिखाई दिए और उन्होंने कहा यार वोट तो स्कूल पे दे देते हैं, मुद्दे अपनी जगह हैं। अच्छा मनीष जी, वोटिंग परसेंटेज जो बढ़ने के एक टारगेट रखा गया है, क्या लग रहा है आपको वोटर का रुझान देख के? वोटर का रुझान सुबह से बहुत अच्छा है। वोटिंग मेरे घर के सामने एक वोटिंग सेंटर है, वहाँ पे मैंने देखा कि वोटिंग शुरू होने से पहले 8 बजे वोटिंग शुरू होनी थी और 7:30 बजे से वहाँ 150-200 लोग लाइन में लगे हुए थे एंट्री करने के लिए। तो मतदाता अपने वोट के जरिए स्कूलों को आगे ठीक करना चाहता है, अस्पतालों को आगे ठीक करना चाहता है, बिजली पानी को आगे ठीक करना चाहता है। तो मतदाता अभी घर से निकल रहा है। वोटर से क्या अपील है? वोटर से भी अपील है कि जब वोट डालने जाएं तो अपने बच्चों की तरफ देख के जाएं और ये सोच के जाएं कि मैं इनके भविष्य के लिए बटन दबाने जा रहा हूँ। शुक्रिया। कर रहे थे जहां उन्होंने कहा है कि दिल्ली की जनता, और अपील भी की है कि दिल्ली जनता अपने बच्चों को, उनके भविष्य को देखकर वोट डालने जाए, ये अपील भी की है। और साथ ही साथ मतदान को लेकर और अपनी पार्टी की जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हैं कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और बड़ी खबर आपको बता दें, यमुना विहार जो कि दिल्ली विधानसभा के क्षेत्र में आता है वहां पर ईवीएम की मशीन खराब होने का मामला सामने आया है। सरदार पटेल विद्यालय में भी ईवीएम खराब होने का मामला सामने आया है। नई दिल्ली के पटेल विद्यालय में बूथ पर ईवीएम खराब हुआ है, यमुना विहार में ईवीएम खराब हुआ है, यमुना विहार के C10 बूथ पर ईवीएम खराब हुआ है और चुनाव आयोग की टेक्निकल टीम भी मौके पर पहुंच गई है और सही करने की कोशिश लगातार जारी है। 2 घंटे से ऊपर का समय हो गया है और ईवीएम खराब होने की सूचना भी अब सामने आने लगी है। यमुना विहार में ईवीएम खराब होने की सूचना आई है और इसके साथ ही चुनाव आयोग की टेक्निकल टीम भी जुट गई है। सरदार पटेल विद्यालय में भी बूथ पर ईवीएम खराब होने की सूचना सामने आई है और हमारे सहयोगी शंकर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शंकर, चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, 2 घंटे से ऊपर का समय निकल चुका है, ईवीएम खराब होने की सूचना भी 2 जगहों से आ रही है सामने। देखिए अभी तक हालांकि 2 घंटे से ऊपर का वक्त हो गया है, एक जगह यानी कि उत्तर पूर्वी दिल्ली का जो यमुना विहार इलाका है वहां पे एक ईवीएम मशीन खराब होने की सूचना मिली है, बाकी तो टेक्निकल टीम काम कर रही है। एक और इसके साथ एक अपडेट है इसमें कि उत्तर पूर्वी दिल्ली का ही बाबरपुर जो विधानसभा क्षेत्र है यहाँ पे एक चुनाव अधिकारी की मौत हो गई है और जो अभी तक जानकारी है कि हार्ट अटैक से मतदान अधिकारी की मौत हुई है। तो ये दोनों अपडेट है अभी के 2 घंटे जो बीत चुके हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 को लेकर। बाकी जो मतदाता है उनके अंदर उत्साह में कहीं कोई कमी नहीं है। तो फिलहाल ये जो 2 अपडेट है इसको लेकर, एक जगह से ईवीएम मशीन खराब होने की जानकारी आई है और एक चुनाव अधिकारी की मौत की ये खबर है जो कि बताया गया है कि हार्ट अटैक से उनकी मौत हुई है। ये दोनों जो मामला है दिल्ली के उत्तर पूर्वी दिल्ली जो क्षेत्र है वहां पे ये घटना घटी है और फिलहाल जो है टेक्निकल टीम इसमें लगी हुई है। आपको दिल्ली के पटेल विद्यालय पर भी ईवीएम खराब हुई है और सुबह 10 बजे तक जो आंकड़ा सामने आया है वो 4.33% वोटिंग हुई है। शंकर, वोटिंग परसेंटेज की बात की जाए तो उस स्तर का परसेंटेज नहीं है जिसकी अनुमान लगाए जा रहे थे, जिसकी उम्मीद की जा रही थी, वो परसेंटेज अभी भी नहीं आया है वोटिंग परसेंटेज, और ये थोड़ा चिंता का विषय जरूर है चुनाव आयोग के लिए भी। बिल्कुल है, लेकिन देखिए जो जो दिन रहेगा आगे तो ये उम्मीद की जा रही है कि वोटिंग परसेंटेज भी इसका जो ग्राफ है वो भी आगे बढ़ेगा। फिलहाल अभी तक अगर बात करें 4.something है, यानी कि 4.33 के आसपास का ये वोट प्रतिशत निकल के आया है सामने। लेकिन दिल्ली में क्या है, दिल्ली का जो लाइफ स्टाइल है, लोग देर तक जगते हैं रात में, सुबह देर से जगना भी होता है, तो इसको लेकर ये उम्मीद की जा रही है कि जो जो दिन आगे बढ़ेगा और मतदाता ज्यादा संख्या में घरों से निकलकर जब आएंगे अपना वोट करेंगे तो निश्चित तौर पे है कि वोटिंग जो परसेंटेज है, वोट का जो प्रतिशत है वो भी उसका ग्राफ आगे बढ़ेगा। फिलहाल ये जरूर है कि थोड़ी निराशाजनक है, अगर आंकड़े की बात करें तो वो परसेंटेज उतना ज्यादा नहीं है जो कि चुनाव आयोग जिस तरह से कैंपेनिंग लगातार करता रहा है, तमाम पार्टियां भी अपील कर रही है
कि मतदाता ज्यादा से ज्यादा संख्या मिले, तो फिलहाल 2 से 2.25 घंटे के बीच की अगर बात करें तो उसमें ज्यादा प्रतिशत नहीं है, लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए कि दिन चढ़ने के साथ ही जो जो दिन आगे बढ़ेगा तो ये वोट प्रतिशत भी आगे बढ़ेगा, साथ ही ज्यादा से ज्यादा और संख्या में मतदाता निकलकर अपने मत फैलो करेंगे। बड़ी खबर आप बता रहे हैं, यमुना विहार में ईवीएम खराब होने का मामला सामने आया है, सरदार पटेल विद्यालय में भी ईवीएम खराब होने का मामला सामने आया है, और बाबरपुर में एक चुनाव अधिकारी की मौत भी हो गई है, हार्ट अटैक से उसकी मौत हुई है, इसकी भी जानकारी सामने आ रही है। और इन स्थानों पर कुछ समय के लिए मतदान रुका हुआ है, लेकिन चुनाव आयोग की टीम मौजूद है। वहीं बाबरपुर में एक चुनाव अधिकारी की हार्ट अटैक से मौत हो गई है, ये भी जानकारी सामने आ रही है। जहाँ ईवीएम खराब हुई है वहाँ चुनाव आयोग की टीम मौजूद है, टेक्निकल टीम मौके पर मौजूद है और ईवीएम सही करने के लिए लगातार कोशिश की जा रही है जिससे मतदान निर्विरोध चले। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि बाबरपुर में एक बूथ पर एक चुनाव अधिकारी की हार्ट अटैक से मौत हो गई है, ये भी जानकारी सामने आ रही है। चुनावी ड्यूटी में जो अधिकारी तैनात था उसकी हार्ट अटैक से मौत हो गई है, इसकी भी जानकारी सामने आ रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हम। तो दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों पर वोटिंग शुरू हो गई है, वोटिंग शाम 6 बजे तक होगी और पोलिंग बूथ पर सुबह से ही बड़ी संख्या में वोटर जुटने शुरू हो गए हैं। वोटिंग के लिए चुनाव आयोग ने खासी तैयारी की है, बुजुर्ग और दिव्यांग वोटरों को घर से लाया और छोड़ा जाएगा। मतदान के लिए 13,750 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, 70 सीटों पर 672 उम्मीदवार मैदान में हैं, इनमें 148 निर्दलीय उम्मीदवार भी शामिल हैं। शाहीन बाग में शाहीन पब्लिक स्कूल के बाहर वोटर्स की लंबी लाइन लग गई है और यहाँ का विधानसभा क्षेत्र ओखला है। आम आदमी पार्टी से अमानतुल्ला खान, बीजेपी से ब्रह्म सिंह और कांग्रेस से परवेज हाशमी उम्मीदवार हैं। वोटिंग करने के लिए दिल्ली के अलग अलग पोलिंग बूथ पर सुबह से ही लोग जुटने शुरू हो गए हैं। पोलिंग बूथ के बाहर लोगों की लंबी लंबी लाइन देखी जा सकती है। दिल्ली के निर्माण भवन में मतदाता पहुंच गए हैं, मतदाताओं की कतार लग गई है। NDMC के स्कूल ऑफ साइंस में भी मतदाता पहुंचे हुए हैं। जो कि संवेदनशील इलाका माना जा रहा था और यहाँ पर बीते करीब 56 दिनों से प्रदर्शन लगातार हो रहा था, वहां पर भी मतदाताओं की लंबी कतार देखने को मिल रही है। 2 घंटे से अधिक का समय हो चुका है और मतदाताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। और दिल्ली चुनाव में सबसे सेंसिटिव जामिया नगर और शाहीन बाग में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं और इन दोनों इलाकों के पोलिंग बूथों पर सुबह से ही मतदाताओं की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। लोग अपने घरों से नई सरकार चुनने के लिए अपने अपने घरों से निकल रहे हैं। दो तस्वीरें आप देखिए, शाहीन बाग और जामिया नगर की, जहां पर बीते दिनों प्रदर्शन लगातार हो रहे थे और वहां पर भी मतदाताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है और लोग लंबी लंबी लाइनों में आकर लग रहे हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए, अपना वोट डालने के लिए। मतदान के प्रति लोगों में उत्साह है और चुनाव आयोग के साथ लोग पूरा सहयोग कर रहे हैं। प्रदर्शन अपनी जगह है लेकिन चुनावी प्रक्रिया बाधित न हो, इसको लेकर सभी पूरा सहयोग कर रहे हैं। चाहे जामिया नगर हो, चाहे शाहीन बाग हो, इन दोनों ही इलाकों में बीते दिनों हिंसा की खबरें सामने आई थी, प्रदर्शन की खबरें सामने आई थी, यहां तक कि गोली चलने की भी खबरें सामने आई थी। और अब यहां पर आज शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहा है, जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने पूरे परिवार के साथ सिविल लाइंस पोलिंग बूथ पर वोट डालने पहुंचे। वोट डालने से पहले सीएम केजरीवाल ने अपने घर पूजा की और पैर छूकर अपने माता पिता का आशीर्वाद लिया। केजरीवाल नई दिल्ली विधानसभा सीट से उम्मीदवार हैं और उनके खिलाफ बीजेपी के सुनील यादव और कांग्रेस से रमेश सब्रवाल चुनाव लड़ रहे हैं। जाके वोट दिया और दिल्ली के सभी लोगों से मैं अपील करना चाहता हूँ कि सब लोग अपने अपने मत के अधिकार का, वोट के अधिकार का इस्तेमाल जरूर करें। सब लोग वोट डालने जाएं, जरूर जाएं, चाहे किसी भी पार्टी को वोट दे, लेकिन वोट डालने जरूर जाएं। और खासकर मैं महिला वोटरों से अपील करना चाहूँगा। हमारे समाज में क्या होता है कि महिलाएं कई बार घर में रह जाती हैं और वोट डालने नहीं जाती। मैं महिला वोटरों से खासकर अपील करने के लिए जाऊँगा कि सब लोग, कोई भी घर में ना रहे, सब लोग वोट डालने के लिए ज़रूर जाएं और मत का अधिकार इस तरह से करें। आपको अपना घर चलाना होता है। दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी की मां ने पोलिंग बूथ पहुंचकर मतदान किया। वहीं मतदान के बाद मनोज तिवारी की मां का क्या कुछ कहना है, ये भी सुनिए।
बीजेपी का बीजेपी के हम कदे वोट देंगे, हम आज जंगले हमारे होश गए तो हम कमले को वोट देंगे। हम बनारस रहेंगे, चितईपुर बनारस रहेंगे, कहाँ पर रहेगा ये जो आज है। अपने बच्चों के भविष्य की जिम्मेदारी है, देश की, मुल्क की और दिल्ली की। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी और संघ के वरिष्ठ नेता रामलाल ने निर्माण भवन में अपना वोट डाला और इस सीट से सीएम अरविंद केजरीवाल, बीजेपी से सुनील यादव और कांग्रेस के रमेश सब्रवाल चुनाव लड़ रहे हैं। किसके लिए? असेंबली के लिए है ना, तो जारी बात है असेंबली के लिए वोट देंगे। भाई दिल्ली के नागरिक जानते हैं, उनका शहर है, उनको मुद्दे मालूम है, वो उस हिसाब से वोट देंगे। देखिए इलेक्शन किसके लिए? असेंबली के लिए है ना, तो जारी बात है असेंबली के लिए वोट देंगे। भाई दिल्ली के नागरिक जानते हैं, उनका शहर है, उनको मुद्दे मालूम है, वो उस हिसाब से वोट देंगे। देखिए इलेक्शन किसके लिए? असेंबली के लिए है ना, तो जारी बात है असेंबली के लिए वोट देंगे। निर्माण भवन में पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि असेंबली के उन्होंने वोट डाला है और लोगों से वोट करने की अपील की। दिल्ली में सुबह 8 बजे से वोटिंग लगातार जारी है और 2 घंटे 22 मिनट का समय लगभग हो चुका है। पूर्व उपराष्ट्रपति ने अपना वोट डाला है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि वोट डालने जरूर जाइए। सभी महिलाओं से खास अपील है कि जैसे आपकी जिम्मेदारी उठती है, वैसे ही मुल्क की और दिल्ली की जिम्मेदारी भी आपके कंधों पर है। आप सभी महिलाएं वोट डालने जरूर जाएं और अपने घर के पुरुषों को भी ले जाएं। पुरुषों से चर्चा जरूर करें कि किसे वोट देना सही रहेगा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने यह ट्वीट करके लोगों से अपील की है, खासतौर पर दिल्ली के महिलाओं से अपील की है कि जैसे आपके घर की जिम्मेदारी बनती है, वैसे देश और दिल्ली की जिम्मेदारी भी आपके कंधों पर है। इसलिए अपने मताधिकार का प्रयोग करें जरूर जाइए और अपने घर के पुरुषों से भी चर्चा करिए। प्रधानमंत्री ने क्या कहा है बता दें आपको। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आज मतदान का दिन है। सभी मतदाताओं से मेरी अपील है कि वे अधिक से अधिक संख्या में लोकतंत्र के इस महोत्सव में भाग लें और वोटिंग का नया रिकॉर्ड बनाएं। और गृहमंत्री अमित शाह ने क्या कहा है बता दें आपको। दिल्ली की स्वच्छ हवा, स्वच्छ पानी और हर गरीब को अपना घर देकर इसे विश्व की सबसे अच्छी राजधानी सिर्फ एक दूरदर्शी सोच और मजबूत इरादों वाली सरकार ही बना सकती है। मैं दिल्ली की जनता से अपील करता हूं कि झूठ और वोट बैंक की राजनीति से दिल्ली को मुक्त करने के लिए मतदान अवश्य करें। सीएम योगी ने भी ट्वीट किया है। सीएम योगी ने कहा है कि दिल्ली के लोग मतदान जरूर करें। उन्होंने कहा कि नमस्कार दिल्ली, आज मतदान है, बदलाव के लिए वोट करें। विकास की गति देने वाली और जनहित को समर्पित सरकार चुनने के लिए वोट करें। वोट देना आपका सबसे अमूल्य अधिकार है, स्वयं वोट दें और अपने मित्रों, सगे संबंधियों को भी वोट देने के लिए प्रोत्साहित करें। बैकग्राउंड रहा है और क्या इन्होंने हमेशा अपना वोटिंग राइट का इस्तेमाल किया है? हमेशा के लिए तो वोटिंग तो करता ही है। बैकग्राउंड तो अच्छी है इनका, जो मेरा पास करीबन 35-40 साल से रह रहा है दिल्ली पे ही, 1984 से मेरे पास ही रहती है। अच्छा। और मैं इसको देखभाल करता हूँ और मेरा इनका एक बेटा गांव में रहती है, एक बेटा यहीं पे रहती है जो गुजर गया सारा। अच्छा, 1908 में बता रहे थे कि इनका जन्म हुआ था और बांग्लादेश उनका उतना तो हमें पता नहीं है, जब हम इधर से आए, जब हमारा
आठ नौ साल है, तब से मेरा तो सब कुछ पता है। आठ नौ साल में मेरा पिताजी गुजर गया था, हमारा सात भाई बहन था, एक एक करके सारे गुजर गए। बड़ा बहन का जो दूसरा बहन है वो जीवित है और मैं जीवित हूँ और सारे नहीं है। अभी कुछ हेल्थ इश्यूज हैं उनको? नहीं नहीं, जो देखभाल करते हैं हम ही करते हैं। अच्छा, हाँ ठीक है। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम है सुखरंजन मंडल। सुखरंजन मंडल। तारा मंडल ने अपना वोट डाला है और दिल्ली की सबसे बुजुर्ग महिला हैं ये, इन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। सत्तर सीटों पर वोटिंग लगातार जारी है और दिल्ली के सत्तर सीटों पर एक ही चरण में मतदान हो रहा है, यानी आज मतदान हो रहा है और 11 फरवरी को नतीजे आएंगे। तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, ये जामिया नगर की तस्वीरें हैं जहां पर वोटिंग हो रही है और भारी संख्या में यहां पर भी मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं। और चाहे जामिया नगर हो चाहे शाहीन बाग, हर तरफ मतदाताओं की भीड़ देखने को मिल रही है, मतदाताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। कितनी उम्र है? 80 साल। वोट डालने आएंगे? क्या कहना चाहेंगे आप इस उम्र में? लोग वोट डालिए। कहाँ रहते हैं माता जी आप? गोरखपुर में आए? हाँ जी। अच्छा, आप दोनों दोस्तों ऊपर नीचे रहते हैं? अच्छा, ऊपर नीचे रहते हैं। अच्छा, ये लैंडलॉर्ड ही है? अच्छा, तो चाहे युवा हो चाहे पुरुष हो चाहे महिलाएं हो, यहां तक के बुजुर्गों में भी उत्साह देखने को मिल रहा है। 80 साल के बुजुर्ग से लेकर 100 साल के बुजुर्ग महिला तारा मंडल तक हर कोई यहां पर अपने मताधिकार का प्रयोग करने आ रहा है। दिल्ली के सभी 70 विधानसभा सीटों पर वोटिंग जारी है और लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए घरों से निकल रहे हैं और तस्वीरें और अपडेट्स लगातार हम आपको दे रहे हैं कि हर कोई मतदान को लेकर खासा उत्साहित है। दिल्ली डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने आज सुबह मयूर विहार फेज टू में कहा कि आज दिल्ली के लोग अच्छी शिक्षा और अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए मतदान करेंगे। मनीष सिसोदिया के खिलाफ बीजेपी ने रवि नेगी को मैदान में उतारा है। सर, कल रात में कुछ एलिगेशन भी लगाए गए हैं कि गिरिराज सिंह, जिस तरह से कहा जा रहा है। देखिए, मैं आपको बताऊँ, आज जो चुनाव हो रहा है वो पहला चुनाव है जो देश में काम के नाम पर इस तरह से हो रहा है और शिक्षा, विशेषकर शिक्षा के नाम पर हो रहा है। दिल्ली के लोग आज काम पे वोट करने वाले हैं, शिक्षा के नाम पे वोट करने वाले हैं, अपने बच्चों के भविष्य के नाम पे वोट करने वाले हैं। उधर बीजेपी का जो नफरत, पैसा, इन सब के नाम पे चुनाव लड़ रही है। आम आदमी पार्टी का शिक्षा, बच्चों का भविष्य, इन सब पे चुनाव लड़ रही है। तो सर कितनी उम्मीदें रहेंगी जी किस तरह? बहुत से बहुत अच्छी सरकार बनेगी। थैंक यू। देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तुगलक क्रॉसेट में अपना वोट डाला। विदेश मंत्री ने कहा कि ये हर नागरिक का कर्तव्य है कि वो अपना वोट डाले, हर नागरिक को इसमें अपना योगदान देना चाहिए। इसके साथ ही बूथ पॉइंट पर बने सेल्फी पॉइंट पर भी विदेश मंत्री ने सेल्फी ली। आपका फोन। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और सेल्फी पॉइंट पर सेल्फी भी ली। सुबह 8 बजे वोटिंग शुरू हुई और सुबह 8 बजे ही ये पोलिंग बूथ पर पहुंच गए थे और अपने मताधिकार का प्रयोग किया इन्होंने। वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी अपने परिवार के साथ वोट डालने पहुंचे और उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मनीष सिसोदिया ने भी अपनी पत्नी के साथ वोट डाला। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। कुल मिलाकर दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर वोटिंग जारी है और करीब 13,000 से ऊपर बूथ बनाए गए हैं, जिसमें करीब 550 संवेदनशील बूथ बनाए गए हैं।
अपने बयानों से विवादों में रहने वाले बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने मटियाला विधानसभा क्षेत्र में अपना वोट डाला। उन्होंने अपील की कि इस बार बीजेपी को वोट देकर सेवा करने का मौका दें कि बस एक बार हमें दिल्ली में सेवा करने का मौका मिले। 20 साल से हम दिल्ली में सरकार नहीं बना पाए, दिल्ली की जो जनता को बता नहीं पा रहे कि हमारे मन में कितनी इच्छा है दिल्ली का काम करने की। दिल्ली में 20 साल में विकास नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए हमें एक बार मौका मिले, क्योंकि देश में भी हमारी सरकार है, दिल्ली में नगर निगम में भी हमारी सरकार है, बीच में भी सरकार बन जाएगी तो वो ताला खुल जाएगा। एक वो ताला होता है जिसमें 3 नंबर होते हैं, तो वो लोग ऊपर ठीक नंबर डालते हैं, नीचे ठीक नंबर डालते हैं, बीच का नंबर दिल्ली में गलत डल रहा है, तो बीच का नंबर अगर ठीक डल जाए तो वो कॉम्बिनेशन ठीक हो जाएगा, ताला खुल जाएगा। बीजेपी के सांसद प्रवेश वर्मा जो कि हाल में चर्चित थे अपने बयान को लेकर, चुनाव आयोग ने उन पर प्रतिबंध भी लगाया था, उन्होंने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया और इस दौरान अपनी जीत को लेकर आश्वस्त दिखे और लोगों से यही अपील की है कि जो सूखा है वो खत्म हो सकता है, इस तरह की बात उन्होंने कही है। और तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जामिया नगर की चाहे शाहीन बाग हो चाहे दिल्ली का कोई भी बूथ हो, हर जगह मतदाताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। भारी संख्या में मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन अपनी मां रत्नम देवी के साथ कृष्णा नगर के पब्लिक स्कूल में वोट डालने पहुंचे। बीजेपी के अनिल गोयल और कांग्रेस के अशोक वालिया और आम आदमी पार्टी के एसके बग्गा यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। इसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत की। 11 तारीख को दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और हमारी बहुमत से हमारे प्रत्याशी सब स्थानों पर जीतेंगे और मैं बहुत बड़ी सफलता भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी। दिल्ली की जनता को बहुत बहुत बधाई। देखो कितनी सीटें थे, ये कोई पंडित या एस्ट्रोलॉजर बता सकता है, मैं ये कह सकता हूँ कि खूब अच्छी क्वालिटी की जीत होगी सारे दिल्ली में। इस चुनाव में एक ही मुद्दा है कि एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी का असाधारण व्यक्तित्व, उनका ढेरों देश के लिए और दिल्ली के लिए किए गए काम, उनकी सत्य पर आधारित राजनीति, और दूसरी तरफ है झूठ और दिल्ली के अंदर नाकाम। देखिए वाला आपका स्वागत है, आगे बढ़ते हैं। बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने भी मतदान किया। उन्होंने कहा कि इस बार दिल्ली की जनता ने बीजेपी की सरकार बनाने का मन बना लिया है। बीते 5 सालों में केजरीवाल ने कोई काम नहीं किया है। दिल्ली वालों के लिए तो दिल्ली की सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और साथ ही विज्ञापनों की दुनिया से बाहर असली दुनिया भी है, तो जो विज्ञापन में दिखाया जा रहा है वो दिल्ली में नहीं हुआ है और ठीक उसका विपरीत हुआ है। तो पूरी जनता ने अपनी आंखों से देखा है, जिनके बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं उनको पता है कि स्कूलों की क्या हालत है, कितने टीचर्स हैं, कितने प्रिंसिपल्स हैं और किस तरीके से पानी तक की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था तक नहीं है। और जो लोग लगातार झूठ बोल रहे हैं, कभी मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे, कभी किसी और के नाम पर, हमने तो क्षेत्र में घूम घूम के लोगों से केवल बात नहीं की है बल्कि उन जगहों पर जाकर देखा है कि क्या व्यवस्था है, तो पता चलता है एक बहुत ही भयंकर तरीके का फ्रॉड दिल्ली के साथ हुआ। और अभी तो जो कुछ आप लोगों ने देखा सिसोदिया जी के ओएसडी के बारे में, उसी से मिलती जुलती घटना जो है वो नई दिल्ली विधानसभा में भी है। कितना आश्वस्त है आप? मैं बिल्कुल आश्वस्त हूँ। मुझे पता है कि दिल्ली की जनता जो है बहुत ही एस्पिरेशनल क्लास है और उसको समझना और समझाने में कुछ समय नहीं लगता, लेकिन समझने के लिए ये काफी है कि कोई भी व्यक्ति उनको विज्ञापनों के माध्यम से धोखा नहीं दे सकता, वो असली चीजें पहचानते हैं, जानते हैं और देश के विषय में भी चिंतित है। लक्ष्मी हटाओ, नीचे झुको। प्लीज मैम, प्लीज कम मैम। थैंक यू, व्हाट इज योर ऑर्डर? थैंक यू मैडम, थैंक यू। आप क्या पी रहे हैं? थैंक यू मैडम, थैंक यू। आप? थैंक यू मैडम, थैंक यू, थैंक यू।
थैंक यू मैडम, थैंक यू। बस सही सही तो ये डॉक्टर मनमोहन सिंह की वाइफ जो साफ तौर पर कह रही थी कि चिंता मत करिए, रेट वाला जो है टर्नआउट जरूर बढ़ेगा, लोग आएंगे, अभी 6 बजे तक मतदान है। अभी तक जो मतदान है वो बहुत ज्यादा, हालांकि थोड़ी ठंड भी है सुबह के हिसाब से काफी कम है, महज 4.33% मतदान हुआ है, ये जो अनुमानित आंकड़ा है उससे काफी कम है। और पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह की वाइफ भी इसी बात को लेकर जिक्र कर रही थी कि अभी शाम 6 बजे का वक्त है, लोग आएंगे और वोटिंग प्रतिशत जरूर बढ़ेगा। आपको भी बता दें कि 2 घंटे 40 मिनट से ऊपर का समय हो चुका है और मतदान के लिए लोग लगातार पहुंच रहे हैं। लेकिन जो दिल्ली की सरकार है उन्होंने कुछ काम जो किए हैं उससे फायदा हुआ दिल्ली के वासियों को, तो हम समझते हैं कि असली मुद्दों पे वोट डालना चाहिए और वही हमने किया। लेकिन इस बार जो दिल्ली में कंपेन हुआ एक तरह से वो काफी पोलराइजेशन हुआ, सभी पार्टियों की तरफ से पोलराइज कंपेन हुआ। नहीं, ये गलत हो रहा है ना, जज्बात के आधार पर वोट थोड़ी रह जाती, वोट डालना है आपको काम काज के आधार पर और क्या आप उम्मीद कर रहे हो, यानी हमारी रोजमर्रे की जिंदगी क्या बेहतर होगी या नहीं, ना सिर्फ जज्बात के आधार पर एक तनाव की परिस्थिति पैदा करके झगड़े करवाना नहीं है ये सरकार का काम। सरकार का काम है जन सुविधाएं दे ताकि जनता की रोजमर्रा की जिंदगी की हालत बेहतर हो और उसी आधार पर जो है वोट डालना चाहिए और उसी आधार पर हमने भी वोट डाला। और केरल की सरकार ने जो स्टेट कैलेमिटी का स्टेटस था कोरोना वायरस के खतरे को लेकर वो विड्रॉ कर लिया है क्योंकि 72 में से जो 67 केस है वो निगेटिव पाए गए। जी अच्छी बात है, वहाँ पे केरला में पहले भी इस तरीके से जो एपिडेमिक आए थे नीपा जैसा और उसको भी बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल किया गया और इसकी प्रशंसा देश से नहीं लेकिन विदेश और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से उनको प्रशंसा मिली है कि सही ढंग से बड़ी वैज्ञानिक तरीके से इसको कंटेन किया गया। यही उम्मीद कर रहे हैं कि जो नेगेटिव ना भी मिले इस बार उनको भी मतलब उस तरीके। तो दिल्ली में विधानसभा की 70 सीटों पर मतदान हो रहा है, दिल्लीवासी सुबह अपने घरों से निकलकर वोट देने के लिए पहुंच रहे हैं। इस बीच एक ऐसा शख्स दिखा जो अपनी शादी वाले दिन ही वोट डालने पहुंचा। इस शख्स ने कहा कि शादी तो 5 साल बाद भी हो जाएगी लेकिन वोट ज्यादा जरूरी है। शंकरपुर पोलिंग बूथ में वोट देने पहुंचे दूल्हे ने कहा कि उनका पूरा परिवार वोट डालने के बाद ही शादी की रस्में शुरू करेंगे। वोट एक ऐसा दिल्ली में एक ऐसी चीज है जो 5 साल में एक बार आती है और हमारी पूरी फैमिली शादी के लिए वेट कर सकती है लेकिन वोट के लिए वेट नहीं कर सकती। 5 साल बाद शादी हो जाएगी लेकिन वोट अगर हमें वेट कर ले 5 साल वेट करना पड़ेगा। हम सुबह 7 बजे से लाइन में लगे हुए थे और अब जाकर हमारा नंबर आया है और हमारी शादी भी सुबह की थी, सुबह की है शादी हमारी और बस अगर हम तैयारियों में लगे हुए और एक बार सारे निकल गए।